여러분 안녕하십니까? Hello everyone. दोस्तों आप में से हमारे काफी दोस्तों के लगातार मैसेज आ रहे थे जो लेटेस्ट K-pop ऑडिशंस के बारे में जानना चाहते थे। तो आज मैं आपको YZ Entertainment के मंथली ऑडिशंस के बारे में बताने जा रही हूँ जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही है, यानी आप सभी इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको इस जुलाई ऑडिशन के बारे में डिटेल में बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको अपडेट करते हुए बताया था कि कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनीज जल्दी अपने K-pop ऑडिशंस कंडक्ट कराने जा रही हैं, जिसके बाद हाइप लेवल्स ने लगातार कई ऑडिशंस कंडक्ट कराए और अब YZ Entertainment ने अपने मंथली ऑडिशन की अनाउंसमेंट कर दी है जिसका आप सभी बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये ऑडिशंस सिर्फ दो दिन के लिए ही हैं, यानी 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच ही आपको ये फॉर्म फिल करना होगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं अगर एज की बात करें तो जो भी एप्लीकेंट 2024 के बाद और 2012 तक बॉर्न हुए हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप में से हमारे काफी दोस्त एज से रिलेटेड पॉइंट को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी पॉइंट को लेकर परेशान हैं तो भी आप फॉर्म फिल तो कर ही दीजिए, जिसके बाद आप वेट करिए, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वेल अगर इस फॉर्म की बात करें तो अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि फॉर्म में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि फॉर्म 17 जुलाई से 19 जुलाई तक ही फिल करना है। वहीं जो इस फॉर्म में सेलेक्ट होंगे उनका वीडियो ऑडिशन 26 जुलाई को होगा। और अगर कैटेगरीज की बात करें तो वोकल, रैप और डांस के साथ साथ लुक्स, टैलेंट और एक्टिंग पर भी वर्क करते हुए इसमें अप्लाई करें। इन शॉर्ट अगर आप किसी भी कैटेगरी में ट्राई कर रहे हैं तो आप अपने लुक्स और फैशन सेंस का भी ख्याल रखिए। वहीं अगर लैंग्वेज की बात करें तो आप कोरियन, इंग्लिश, जापानीज या चाइनीज में से किसी भी लैंग्वेज में ट्राई कर सकते हैं। वेल, मुझे लगता है कि आप सब इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देंगे। वेल, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं भी हैं, तो भी आप अप्लाई करिए और साथ ही घर पर इंग्लिश में इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करिए। और इन सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं, तो मेरा आपको सजेशन है कि बस ट्राई करिए और अपना बेस्ट दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगे हो।